नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताने हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी। तो इसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। तो इसी को लेकर हम ये वीडियो लाए हैं और इसमें हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि किस पद के लिए कितने भर्ती निकाली गई हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए, ये तमाम प्रकार की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो बनाए तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको साइट पे आना है, peb.mp.gov.in। इस साइट पे आना, इस साइट पे आप जैसे ही जाएंगे तो सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो ये पेज ओपन होगा तो इसमें सबसे ऊपर ही नवीन सूचनाएं में सबसे ऊपर ही भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है। तो हम यहाँ पर जाके इस नियम पुस्तिका में क्लिक, नियम पुस्तिका में क्लिक करेंगे तो एक PDF आएगी, जो 72 पेज की PDF है। तो आपको हम ये अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल देंगे, जहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हम चलिए इसका पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, तीन पदों के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होने वाला है, एक वन रक्षक, एक क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी। ये तीन पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी, मतलब। और इसकी जो प्रारंभिक तिथि रहेगी वो 20 जनवरी 2023 रहेगी। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2023 रहेगी, तथा जो परीक्षा दिनांक आप ली जाएगी वो 11 मई 2023 रहेगी। इसमें हम आपको परीक्षा शुल्क भी बता देते हैं। जनरल कैटेगरी मतलब अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस लिए जाएगी, तथा 60 रुपये उस पर पोर्टल शुल्क अतिरिक्त आपसे लिया जाएगा। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 250 रुपये फीस प्लस 60 रुपये पोर्टल शुल्क अतिरिक्त लिया जाएगा। परीक्षा दिनांक आपकी 11 मई 2023 रहेगी, जो कि दो पालियों में रहेगी, एक प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक और एक आपसे 3 बजे से 5 बजे तक। आप सभी को हम बता दें कि इसमें आपका आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार कार्ड से KYC से ही ये फॉर्म भरे जाते हैं, तो आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही साथ इसमें आपको रोजगार पंजीयन भी होना अनिवार्य है। तो रोजगार पंजीयन में मध्य प्रदेश के बाहर के बहुत से अभ्यर्थियों को समस्या आ रही है, तो यदि उनको कोई समस्या आती तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर मेंशन कर दीजिएगा, हमारे द्वारा आपको संपर्क कर लिया जाएगा। और हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल देंगे, तो आप हमसे व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बाहर के बहुत से अभ्यर्थियों को रोजगार पंजीयन करने में समस्या आ रही है, तो वो हमसे जुड़ के अपना पंजीयन करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम चलिए और आगे आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। हम आपको बता दें, तीनों पदों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। 10वीं पास अभ्यर्थी ही ये फॉर्म भर पाएंगे। हम आपको इसमें एज का क्राइटेरिया भी बता देते हैं कि एज क्या मांगी गई है। आप देख सकते हैं, वन रक्षक के इसमें 1772 पद हैं, जो वेतनमान है वो 19,500 से 62,000 का है। साथ ही साथ आपसे 10वीं पास होना अनिवार्य मांगा गया है। ये आप पदों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, ये पदों की संख्या का विवरण है। ये आप हम डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF डाल देंगे, आप डाउनलोड करके वहाँ से देख लीजिएगा। हम आपको सिर्फ मुख्य मुख्य जानकारी बता देते हैं, क्योंकि अगर हम विस्तृत जानकारी पूरी फुल बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको मुख्य मुख्य जानकारी बता। वर्ष से 33 वर्ष रहेगा, तथा महिला आवेदक और अनारक्षित वर्ग के लिए 18 वर्ष से 38 वर्ष तक रहेगा। जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आप अपना रोजगार पंजीयन जरूर बनवा लीजिए अगर आपने नहीं बनवाया है। और ये मध्य प्रदेश के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी अनिवार्य है। चलिए हम आपको क्षेत्र रक्षक में क्या क्या मांगा है वो और बता देते हैं। ये तो थी जानकारी वन रक्षक की। वन रक्षक में आप देख सकते हैं, जो हाइट मांगी गई है वो पुरुष वर्ग से 163 सेंटीमीटर तथा महिला वर्ग से 150 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो सीना है वो पुरुष वर्ग से 79 सेंटीमीटर तथा महिलाओं से अपेक्षित नहीं रहेगा। इसमें आपसे पैदल चाल रहेगी, पुरुष अभ्यर्थी को 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा तथा महिला अभ्यर्थी को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करना पड़ेगी।
और जो आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी वो मध्य प्रदेश के 50 जिला मुख्यालयों में से कहीं पे भी ली जाएगी। आप देख सकते हैं ये पूरा आपका पूरी जानकारी है, किस जिले में कितनी भर्ती है ये पूरी डली हुई है। ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा, हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दी जाएगी। किसी प्रकार की समस्या हो तो ये नंबर भी दिए गए हैं, आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। हर जिले का अलग अलग नंबर दिया गया है। अब हम आपको बता देते हैं कि क्षेत्र रक्षक में क्या क्या मांगा गया है। जो पुरानी जानकारी थी वो मध्य रक्षक की थी, अब हम आपको क्षेत्र रक्षक बता दें। क्षेत्र रक्षक में भी आपसे 10वीं पास ही मांगी गई है, वेतनमान भी आपका सेम है, और इसमें जो पदों की संख्या है वो 140 पद है। आयु की गणना भी हम इसमें बता देते हैं। आयु की गणना भी लगभग सेम है, 18 वर्ष से 33 वर्ष, और महिला आवेदक तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 18 से 38, और आपकी आयु की गणना वही 1 जनवरी 2023 के अनुसार। आप सभी से हम अनुरोध करेंगे कि फॉर्म भरने से पहले आप पीडीएफ का अवलोकन जरूर करें। हाइट इसमें हम बता दें, हाइट भी लगभग लगभग समान लगभग एक जैसी ही है। पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, और जो सीना रहेगा वो पुरुष वर्ग के लिए 79 सेंटीमीटर तथा महिलाओं वर्ग से अपेक्षित नहीं रहेगा। पैदल चाल भी लगभग आपकी वही है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला अभ्यर्थी को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको जेल प्रहरी का और नोटिफिकेशन बता देते हैं। ये वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक है, ये क्षेत्र रक्षक की पूरी जानकारी है, कहाँ कितने पद निकले हैं। और अब हम आपको जेल प्रहरी का और बता देते हैं। जेल प्रहरी में जो आपका ग्रेड पे लगेगा वो 7वां वेतनमान के अनुसार लगेगा। इसमें भी आपसे 10वीं पास होना अनिवार्य है। और हाइट इसमें पुरुष वर्ग से 165 सेंटीमीटर रहेगी, महिला वर्ग से 158 सेंटीमीटर रहेगी। आवेदक की दोनों आंखें की दृष्टि सामान्य होना चाहिए, लिखा हुआ है, किसी प्रकार का दृष्टि दोष आप में नहीं होना चाहिए इस पद के लिए। ये जेल प्रहरी का पूरा है नोटिफिकेशन। इसमें एज वही रहेगी आपकी 18 वर्ष से 33 वर्ष तथा महिला आवेदक और अनारक्षित वर्ग के लिए 18 वर्ष से 38 वर्ष तक। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार ही ली जाएगी, और रोजगार पंजीयन होना आपका अनिवार्य है। आप इसमें देख सकते हैं, जेल पैरी के लिए आपसे 800 मीटर की दौड़ होगी, जो पुरुष वर्ग को 2 मिनट 50 सेकंड में पूर्ण करना होगी, महिला वर्ग को 4 मिनट में, और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में। और इसी प्रकार से जो गोला फेंक रहेगा वो 20 फीट पुरुष वर्ग को फेंकना पड़ेगा, और जो महिला वर्ग को 16 फीट और भूतपूर्व सैनिक को 15 फीट। आपसे ये फिजिकल लिया जाएगा इसमें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बता दी है, फिर भी आप एक बार पीडीएफ का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक डाल दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर से, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम इसी तरह की नई नई जानकारियाँ जब भी बताएँ तो आपको उसकी जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।